नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन चेन डाटा की। यहाँ पर ऑप्शन चेन ही आपको बहुत सारे इंडिकेटर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको सॉरी आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर वैसे तो आप खुद भी ये देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है 18,065 के आसपास इस लेवल पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक रेजिस्टेंट है ऊपर की तरफ 18,100 पे, दूसरा है यहाँ पर सीधा 18,200 पे। लेकिन यहाँ नीचे की तरफ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 1,24,000 का ओवाई यहाँ पर बना हुआ है 18,000 पे। यहाँ पर 58,000 का आपको दिख रहा है 17,900 पे, यहाँ पर 70,000 के करीब यहाँ पर दिख रहा है 17,800 पे, 46,000 आपको दिख रहा है यहाँ पर 17,700 पे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। 2,000, 1,200, 12,000, 41,000, 39,000, जहाँ पर अभी करंट लेवल पे है यहाँ पर भी 39,000 का है। तो इन सब में आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ होल्ड कर पाएगा ये? जब प्रेशर बनना चालू होगा तो ये जो यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है ना आपको 18,000 पे, ये भी काम नहीं करेगा। जब प्रेशर प्रेशर यहाँ से बनना स्टार्ट होगा तो ये गिरते हुए सीधा नीचे की तरफ भागेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट बने हुए हैं। 1,20,000 यहाँ पर 17,700 पे है, यहाँ 1,61,000 है, लेकिन जब गिरावट होगी ना तो ये सपोर्ट कुछ काम नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है ये ट्रेप बनाया गया हो, यहाँ पर पुट्स को यहाँ पर बेचा नहीं गया हो, पुट्स को यहाँ पर खरीद के रखा गया हो ताकि मार्केट नीचे जाए तो इनको प्रॉफिट बने। हो सकता है इन्होंने पुट्स को एड किया हो और जैसे ही मार्केट गिरेगा तो ये पुट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, यहाँ पर सपोर्ट है, इन्होंने सेल करके रखा हुआ है पुट्स को। लेकिन हो सकता है कि इन्होंने पुट्स को बाय करके रखा हो, जो कि क्लियर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा कि इन्होंने पुट्स को बाय करके रखा है या फिर सेल करके रखा है। अगर मार्केट इतना ज़्यादा हाई, आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अभी तेजी बनी हुई है, लेकिन किस कारण से बनी हुई है? ऐसी कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ है? कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है। अभी मौसम चक्र पूरा बिगड़ा हुआ है, सभी बैंक्स अपने अपने रेट इंटरेस्ट हाई कर रहे हैं, हर कंपनी उधारी में डूबी हुई है, हर कंपनी कर्जे में डूबी हुई है, पूरी पब्लिक जो है वो कर्जे में डूबी हुई है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और वार के जो युद्ध के जो भी रीजंस है वो बने हुए हैं जैसे कि तैसे, सभी दूर कुछ न कुछ उठापटक चल रही है, किसी तरह की कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। रिजर्व बैंक ने कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं दी है, फेड रेट इंटरेस्ट बढ़ाने के ऊपर लगा हुआ है और मतलब इसी तरह की कुछ भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है, उसके बाद में भी मार्केट के इतना भागना कहीं ना कहीं पर संदेह उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, यहाँ पर आपको अंधाधुन खरीदी नहीं करनी है। अब यहाँ पर आपको रिलैक्स रहना है, चाहे तो आप पुट लो या फिर आप कॉल को शॉर्ट करो, ये दो चीजें आपके सामने हैं। अगर आपको सेफ साइड में जाना है तो आपको शॉर्ट करना है कॉल को, और आपको अगर रिस्क लेना है तो आपको पुट को बाय करना है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 43,200 के आसपास बैंक निफ्टी है। यहाँ पर अगर हम कॉल की तरफ अगर देखें ऊपर की तरफ, तो इस जोन में आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर इस एरिया में देखिए, यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। सपोर्ट जरूर है यहाँ पर 43,000 पे 1,71,000 का, लेकिन ये सपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,27,000, उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ तो आपको कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है, यहाँ पर कुछ कुछ है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है पुट की तरफ। कुल मिला के बात यह है कि अब यहाँ पर ऊपर की तरफ कम और नीचे की तरफ ज्यादा मूवमेंट होने की संभावना है। ऊपर की तरफ अगर बढ़ा तो वही 100 पॉइंट, 125 पॉइंट, 150 पॉइंट, इससे ऊपर नहीं जाएगा। नीचे अगर गया तो 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1,000 पॉइंट भी जा सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ज्यादा बुलिश ना हो नहीं होना है आपको, क्योंकि ऑप्शन चेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ ऊपर की तरफ कुछ नहीं है ऑप्शन चेन में। अब जो भी है कुछ यहाँ पर नीचे की तरफ ही है, तो ऊपर अगर 100 पॉइंट बढ़ा भी ना तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है। दो ऑप्शन आपके सामने है, दो चीजें हैं, कॉल को शॉर्ट करो या फिर पुट बाय करो। रिस्क उठाना है तो पुट को बाय करो, और अगर आपको सेफ साइज में रहना है तो कॉल को शॉर्ट करो। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी, बहुत ही सिंपल चीजें आपको ऑप्शन चेन शो कर रहा है यहाँ पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।